नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस खास वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़े काम की खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार धनतेरस 25 अक्टूबर को आ रहा है और ऐसे में सोने का भाव 39,000 के पार जा सकता है। वहीं अगर आप भी सोना सस्ते में खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़े काम की खबर निकल कर आ रही है। और दोस्तों उसी के साथ में यहाँ पर जॉनसन बेबी पाउडर को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए जॉनसन बेबी पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस पाउडर में कैंसर कारक तत्व मिले हैं। और दोस्तों उसी के साथ में यहाँ पर योगी सरकार की ओर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूपी में कॉलेजों में मोबाइल फोन पर लगा दिया है बैन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई सारी काम की खबरें निकल कर आ रही है, तो इन सारी खबरों को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा निवेदन है कि नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दीजिए। चलिए तो बात करें आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में। तो यहाँ पर 1 नवंबर से डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, सरकार का आदेश। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर से कहा है कि वे 1 नवंबर से डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहकों या कारोबारियों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज या मर्चेंट डिस्काउंट रेट न लगाए। वही दोस्तों, सरकार के इस आदेश से 50 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। इनको बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज की भरपाई के लिए ग्राहकों से वसूली नहीं करनी होगी। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 50 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबारियों को किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया था, है ना। तो हमारी अगली बड़ी खबर है कि हरी सब्जियां हुई लाल, किलो का भाव पूछकर पांव में खरीद रहे लोग। जी हां दोस्तों, मॉनसून ने आम आदमी को रुला दिया है। मॉनसून की विदाई के बाद देश के प्रमुख मंडियों में प्याज टमाटर समेत हरी सब्जियों की आवक में सुधार होने की संभावना के बीच इनकी आसमान छूती महंगाई पर ब्रेक जरूर लग गया है। आपको बता दें कि खुदरा कीमतें अभी भी इतनी ऊंची है कि रसोई का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। वहीं दिल्ली NCR, मुंबई पटना समेत भारत के लगभग ज्यादातर हिस्सों में हरी सब्जियां इतनी महंगी है कि लोग अब किलो की जगह पाव में खरीद रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त बाजार में लगभग हर हरी सब्जियां 60 से 100 रुपए किलो पर बिक रही है। सब्जी की दुकानों पर देखा जा रहा है कि दुकानदार जब भी 1 किलो का भाव बता रहा है तो लोग पाव पर सब्जियां खरीद रहे हैं। ओके, तो बात करें हमारी अगली बड़ी खबर के बारे में। तो यहाँ पर 1.5 लाख से भी अधिक BSNL कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी सैलरी। यहाँ दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम यानी कि BSNL के यूनियन ने हड़ताल के फैसले को टाल दिया है। वही BSNL कर्मचारियों के हड़ताल को टालने का फैसला कंपनी के टॉप अधिकारियों से बैठक के बाद लिया गया है, जहां उनसे वादा किया गया है कि 23 अक्टूबर तक कर्मचारियों को सितंबर महीने की सैलरी मिल जाया करेगी। वहीं आपको बता दें कि BSNL कर्मचारी यूनियन के शुक्रवार को एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया था और इस हड़ताल का आयोजन BSNL कर्मचारियों को सितंबर महीने की सैलरी नहीं मिलने पर विरोध का आयोजित हुआ था, है ना। तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर यूपी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र नहीं ले सकेंगे मोबाइल, योगी सरकार ने लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वही उत्तर प्रदेश में शिक्षा निदेशालय द्वारा इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वही छात्रों को विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर मोबाइल फोन को लेकर या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। वही आपको बता दें कि यह प्रतिबंध राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों पर भी लागू होगी, है ना। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर जॉनसन बेबी पाउडर को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है आज तक की ओर से। वही जॉनसन बेबी पाउडर में कैंसर कारक तत्व US में कंपनी ने वापस मंगाए 33,000 डिब्बे। जी हाँ दोस्तों, बेबी प्रोडक्ट के जरिए हर घर में जगह बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन सवालों के घेरे में आ चुकी है। दरअसल कंपनी ने अमेरिका में लगभग 33,000 बेबी पाउडर के बोतल वापस मंगा लिए। वही दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बेबी पाउडर के नमूनों में एस्बेस्टस की मात्रा का पता लगा है। वही आपको बता दें कि एस्बेस्टस एक घातक कार्सिनोजेन है जिससे इंसानों में कैंसर के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। यह पहली बार नहीं हुआ जब
अमेरिका के स्वास्थ्य नियामक ने प्रोडक्ट में एस्बेस्टस की मात्रा का पता लगाया है। चलिए तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर सोने के गहनों पर भारी डिस्काउंट के साथ कॉन्टेस्ट जीतने पर मिलेगा मुफ्त में गहने। जी हाँ दोस्तों, त्योहारों के इस मौसम में हर ब्रांडेड ज्वेलर्स अपने कस्टमर को नई और अलग अलग स्कीमें ऑफर कर रहा है। वही सितंबर में सोने के रेट में एक बड़ी तेजी दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त 24 कैरेट सोने की कीमत 40,000 के पार जा चुकी थी, और इसके बावजूद ज्वेलर्स सोने के गहनों की खरीदारी करने पर गोल्ड क्वाइन फ्री दे रहे हैं। वही गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के बड़े ब्रांड तनिक्स ने इस दिवाली सीजन में अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई सारे ऑफर दिए, और इसमें मेकिंग चार्जेस पर 25% की छूट का ऑफर दिया है। लेकिन गहनों पर मेकिंग चार्जेस की यह छूट तनिक्स के हर स्टोर पर अलग अलग है। आमतौर पर गहनों के कुल कीमत में मेकिंग चार्ज 10% लगाया जाता है, और इसी के साथ में ऐसे कई सारे ऑफर भी है जहां पर सोने के सिक्के भी फ्री में दिए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें कीमतों के बारे में, तो 22 कैरेट सोने की कीमत 37,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही है ना। तो बात करें आज के हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न की, तो आज का हमारा प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने देश है। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है, और उसी के साथ में विजेताओं को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया की ओर से पेटीएम कैश।